प्राप्त हुई थी कि हम गिरिडीह होकर के वो दो ट्रक फॉरेन लीकर वो नाजायज ढंग से यहाँ से अरुणाचल प्रदेश परिवहन किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश के नाम पर केवल कागज़ है, वो गिरिडीह में ही कहीं डंप होगा चाहे धनबाद में कहीं पर डंप होगा वो, और फिर उसके बाद निकटवर्ती जिलों में उस माल को खपाया जाना है। इसी सूचना पर रांची की टीम, बोकारो की टीम, हजारीबाग की टीम, गिरिडीह की टीम सबों को अलर्ट कर दिया गया था, और उसी अलर्ट होने के दरमियान हम लोग जो है यहाँ के डीएसपी सरिया बगोदर और डीएसपी डुमरी के सहयोग से हम लोग जीटी रोड पर घेराबंदी करके इस एक गाड़ी को हम लोगों ने पकड़ लिया, और इनका कागज वगैरह देखे तो इनका परमिट 4 तारीख को ही लैप्स कर गया था ऑलरेडी। हाँ, फिर भी ये 5 तारीख को रात में घूम रहे थे पूरा गिरिडीह, और यहाँ काम अपना लोग करके कुछ माल भी बेचने के लिए की शिकायत प्राप्त हो रही थी कि कहीं कहीं माल बेचे भी, तो उसी के सत्यापन के लिए, कागज़ के सत्यापन के लिए हम लोग ले आए। और इसी के ड्राइवर के बातचीत करने से और फिर पता चला कि दूसरी गाड़ी का भी लोकेशन ट्रेस किया गया, तो उसको भी हम लोग जा करके बगोदर में फिर उसको पकड़ लिए। कहाँ से माल लूट हुआ था? हाँ, ये गोवा से माल लूट हुआ था, कागज तो अरुणाचल प्रदेश का बनाया हुआ है, अब उसी का सत्यापन फिर किया जाएगा, सब अनुसंधान में आएगा कि हाँ वो पेपर सही है, वहाँ कितना माल जाता है, महीना में कितना माल वहाँ पहुँच पाता है, क्योंकि दोनों का जो ड्यूटी डिफरेंस है वो बहुत ही मैंने ज़्यादा है। मैंने आप यही समझ लीजिए कि अभी जितना माल हम लोग रिकवर किए हैं अगर वो MRP पर बिक जाता तो उनका 7 लाख का माल मैंने बिकता, और हमारे झारखंड राज्य में जो सबसे कम दाम का लीकर है उसमें 2.25 करोड़ का लगभग इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, इतना ही माल है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जिसके चलते कि नाजायज करने वाले इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और ऐसे हम लोग भी सतर्क हैं, और आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि इसमें 2 नंबर का भी संभावना रहता है, ये सस्ता माल होने के नाम पर ये लोग 2 नंबर का लोकल भी बना करके दे देते हैं, ये सब जांच का विषय है, लेकिन आम जनता को भी बहुत सतर्क होने की ज़रूरत है। अगर वो सतर्क नहीं रहेंगे तो बराबर आप लोग भी देख रहे हैं कि बगल के राज्यों में कुछ न कुछ दुर्घटनाएं होते रहती हैं, तो सरकार भी इस ओर सतर्क है, विभाग हाँ कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हो इसके लिए सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने के लिए और लगातार छापामारी करने का निर्देश दिया गया है। हम लोग छापामारी कर भी रहे हैं और आप लोगों के माध्यम से सहयोग की भी अपेक्षा करते हैं। आम जनता से भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें भी अगर किसी प्रकार की कोई सूचना प्राप्त होती है तो वो हमको दें, हम छापामारी लगातार करेंगे और नाजायज को रोकेंगे। कितना माल पकड़ा गया है सर? अभी 2100 पेटी के लगभग। कौन सा माल है सर? ये स्टार ब्लू है, स्टार ब्लू उनका अरुणाचल प्रदेश के नाम पर लेबल रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। कितना उसमें 3 आदमी गिरफ्तार अभी हुए हैं, और उसमें जो जो आदमी उसमें शामिल हैं उन लोग का पेपर उस देख रहे हैं, पेपर में जो जो डायरेक्टर वगैरह हैं कंपनी का उन लोगों का भी नाम उसमें क्या नाम पता कर रहे हैं। मुख्य रूप से किन का नाम आ रहा है सर? अभी अब हम लोग सब उसको देख रहे हैं ना, डायरेक्टर वगैरह हैं उसका निकाल रहे हैं कि कौन कौन है, जैसा होता है फिर बताएंगे हम लोग, चार्जशीट में सब नाम चला जाएगा, उसे इन्वेस्टिगेशन पूरा होने पर सब पता चलेगा। के लिए बहुत